डे फोर स्टार्टिंग नाउ और आज जा रहे हैं, बेहतरीन लोकेशन है सोनमर्ग, 81 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे और पीछे कैब वाले भैया तैयार कर रहे हैं बैग पैक करने के लिए और इसके बाद लोड करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तो वहीं दिखाएंगे, वहां पर 2 या 3 पॉइंट हैं, 0 पॉइंट जो गेटवे ऑफ लद्दाख है और हाजीवास ग्लेशियर जहाँ पर बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी लास्ट बॉर्डर वाला जो सीन दिखाया था। तो वहाँ जा पहुँचते हैं, फिर आपको दीदार कराएंगे सोनमर्ग के लिए। अभी तो ये होटल था कैस्टल श्रीनगर, वहाँ से निकले हैं। सिंध नदी चलने के बाद श्रीनगर से पहुंच गए हम सोनमर्ग और ये हमारा होटल है आज का, होटल ग्लेशियर हाइट। अब इसमें जाके चेक इन करेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे हम 0 पॉइंट के लिए जहां पर स्नो भी होगी और टॉप है वो बाहर का व्यू ये है यहां का, नीचे आर्मी कैंप है। सोनमर्ग एक छोटा सा है, बहुत छोटी सी जगह है ना, बट है बेहतरीन, ग्रीन ग्रीन वैली पूरी। ये आप चेक इन करेंगे, फिर आगे जाकर होटल वगैरह का व्यू भी दिखाते हैं। बट सोनमर्ग फाइनली पहुंच गए हैं, 1 बजने वाला है, उसके बाद नेक्स्ट निकल जाएंगे दूसरी कैब लेकर, क्योंकि यहाँ पर ये कैब आगे नहीं जाएगी, दूसरी कैब करनी पड़ती है यहाँ से जो 0 पॉइंट तक जाती है। होटल में अभी रूम देख रहे हैं, की मिल चुकी है लेकिन ये लॉक अभी मैंने पहली बार देखा है, ऐसा लॉक है ही नहीं पहली बार तो, और जिस खोलेंगे तो खुलने का नहीं दिखा, वो खोल दिया फाइनली। देखो जी काम आया लड़का हमारा, चलो जी अपने अपना ये हमारा होटल है। ये राजा रजवाड़ा वाला नहीं होता, ऊपर आराम से आना चाहते। दूसरा रूम, यहाँ से हवा आ रही है बहुत खूब, खुला भाई पीछे का व्यू, वाह जी वाह। अरे बटन देखिए सील पे है। सोनमर्ग में यहाँ से ना आपको लोकल टैक्सी करनी पड़ती है, हाय क्योंकि जो हमारी कैब है वो तो जाती नहीं है, तो वो भैया ने बताए थे 5500 रुपये। बताने के लिए तो कोई कुछ भी बता सकता है, तो बार्गेनिंग जी भर के चलती है यहाँ पर। 35 या 37 में हमारा एग्री हुआ भैया के साथ, और यहाँ से 25 और 27 किलोमीटर है फ्रॉम यहाँ से, ये जो भी है ना क्या है जी 0.0, हाँ गुमरी, हाँ गेटवे ऑफ लद्दाख है ना, लद्दाख के लिए रास्ता वहीं से जाता है। तो 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, 2 घंटे वहाँ स्पेंड करने के, और 3700 में हुई है। तो कभी भी करना चाहो तो जी भर के बार्गेनिंग करना तो हो जाएगा, थोड़ा सा ट्राई करना जरूरी है, बार्गेनिंग नहीं करना, लॉकडाउन की वजह से और होता है।
डिस्ट्रिक्ट में चालू हो चुके हैं, जिला एंड हो जाता है, यहाँ से आगे कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। इंडिया गेट पे आ चुके हैं हम। आपने बहुत दूसरी जगह भी इंडिया गेट देखा होगा भैया, ये भी इंडिया गेट है। जीरो पॉइंट पे पहुंच गए हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा स्नो है, अभी स्नो एक्टिविटी हो रही है हमारे पीछे। तो ये 1 आवर का रास्ता है सोनमर्ग से यहाँ तक का, और यहाँ से फिर आगे जाएंगे तो जाएंगे लद्दाख। तो यहाँ थोड़ा ठंडा है काफ़ी, मतलब यहीं जैकेट यूज़ करनी पड़ रही है, अभी भी काफ़ी ठंडा है, थोड़ी बारिश भी हो रही है। तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ और कितनी बर्फ़ है, क्योंकि जो लास्ट सीज़न में पड़ी थी वही बर्फ़ बची हुई है यहाँ पर ना पीछे। मोटर बाइक वगैरह चल रही है और बाकी बर्फ़ तो काफ़ी गंदी हो चुकी है, और अगस्त में होता ही है जितनी बारिश पड़ती है उसके हिसाब से ना। तो यही होते हैं, बाकी खाना पीना है यहाँ पर पीछे, चाय पानी, और ये भी बर्फ ही है मेरे पीछे, गंदी काफ़ी हो चुकी है ये। तो ये रास्ते मई में खुलते हैं यहाँ के, जब बर्फ़ कम होती है, और फिर नवंबर दिसंबर में फिर बंद हो जाते हैं। और यही एक रास्ता है कि वो लद्दाख जाने के लिए कश्मीर से। तो हाइट भी इसके 13,000 फीट के आसपास बताते हैं ये, और ऊपर अच्छा है, अभी वहीं जा रहे हैं, देखते हैं कुछ मोटर बाइक वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं, कितने में होती है, क्या मांगते हैं ये। तो यहाँ पर अगर ठंडा बहुत हो रहा है, नीचे बर्फ़ है, तो बहुत सर्दी लग रही है इस टाइम, काफ़ी ठंडा है, बहुत ठंडा है, थोड़ी थोड़ी रेनिंग भी है, रेन भी हो रही है। और ये एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं तो आपको पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, बहुत ठंडा है यहाँ पर अभी ना। और हमारा चिरकुट 1 साल का है और आ गया है पॉइंट पर, 1 साल का बच्चा देखो हमारे साथ 0 पॉइंट पर, इसकी मम्मी पापा हमारे साथ, कितने कितने कैसे कहते हैं, कितने एडवेंचर मम्मी पापा है ना करने वाले, कि 1 साल के बच्चे को लद्दाख के रास्ते पर ले आए हैं। देखो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। मोटर बाइक पीछे और थोड़ी सी धूप है, वाह धूप निकल चुकी है, वाह जी वाह, अब तो मौज ही आ गई, तेज भी आ गया भाई, बहुत ठंडा है, ऊपर से धूप थोड़ी सी निकली थी, मज़ा ही आ गया था। तो यहाँ पर 0 पॉइंट तो कुछ ऐसा है, ये ठंडा कूल सबसे ज़्यादा ठंडा अभी हमें यहीं मिला है कश्मीर में, 4 दिन हो गए, सबसे कम टेम्परेचर यहीं पर है, सबसे ज़्यादा ठंडा। ब्यूटीफुल तो बहुत, हम बहुत सारी चीज़ें देख कर आए हैं, बट सबसे ज़्यादा ठंडा अभी तक यही है, सबसे ज़्यादा हाइट भी अभी तक यही है। आओ मज़े करो, 0 पॉइंट गेटवे ऑफ लद्दाख। ये जो कैप्चर कर रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा जैसे प्लेन से करते हैं आप, और माउंटेन नीचे दिखते हैं, लेकिन है क्या, ये केवल बर्फ़ है और वो ब्लैक हो चुकी है। तो वहाँ तक जाएंगे ऐसा चल चल के। बर्फ़ पर स्नो वॉक कर रहे हैं, वहाँ से आए थे पीछे से, और बहुत आसान है क्योंकि बर्फ़ तो ज़्यादा है नहीं, और वैसे भी स्पॉट बन चुके हैं ना, तो स्लिप होने का भी चांसेस नहीं है। ऊपर तक जाएंगे वो बिल्कुल लास्ट तक देख, और वहाँ से भी कैप्चर करेंगे, लेकिन बढ़िया है 0 पॉइंट ना, अगर स्नो के एक्टिविटी करनी है, स्नो के लिए बेस्ट है यहाँ पर, जो कि 2-3 महीने ही खुला रहता है। और बाहर चारों तरफ का व्यू तो अल्टीमेट है ही। तो अब आगे जाकर पहुँचते हैं, ये मोटर बाइक वाला 1500 पर पर्सन मांग रहा था, मैंने 6 बंदों के बोला वापस चला गया। क्या यहाँ बार्गेनिंग बहुत चलती है हर चीज़ में। ये देखो मोटर बाइक पर मैडम बैठ के आ रही हैं शायद। जीरो पास ये जो है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इससे पहले जो था वो जोजिला पास, जोजिला एक रोड ही है बस, उसी को जोजिला कहते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है वहाँ से। एक घंटे का ही रास्ता है सोनमर्ग से आराम से, और धूप निकल के तो मज़ा ही आ जाता है। बस मज़े कर रहे हैं यहाँ पर अब,
ब्लैक एंड व्हाइट हो रही है बर्फ का बैकग्राउंड ना, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया पूरा ना, ये इतनी बची हुई है बस, इसी पर एक्टिविटीज करा रहे हैं ये सब। और ऊपर तक वाटरफॉल है ऊपर से, इतना ऊपर तो चलने में मजा आता है। क्या है ट्राई कर रहा हूं, ओहो हो 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 हो, वाजी वाह बहुत कर दी। ओ भाई वाजी वाह, देखो मैं वहां तो चल नहीं सकता, तो मैं तो यहीं चल सकता हूं इसको लेकर ना, ज्यादा स्पोर्ट पड़ेगा और फिर मैं इस पे बैठ के जाऊं नीचे तेज बोल रहे मैं अपने बूट ना। आबिद है ना कोशिश कर रहा है इसको ऊपर ले जाने की, बट शूज की वजह से यहाँ पर ज्यादा ही फिसलन हो रही है। और ये ऊपर लेके जाएगा पहले, फिर नीचे लेके आएगा, और वो भी बहुत ही तेजी से। बस मेरे से इतनी और भाई खींच ले ले। अब इसकी सवारी करेंगे हम। ये खींच कर ले जाना बड़ा मुश्किल है, तो वो लड़के लोकल तो ले जाते हैं और हम इसी से वापस नीचे आएंगे। बंदे ने कह दिया कि 100 रुपये दे देना आप, 200 रुपये दो बंदों के। यहाँ तक आ चुके हैं, थोड़ा टफ हो तो जा रहा है ऊपर चढ़ना, पर ट्राई तो हम करेंगे ही, थोड़ा स्लिप ज़्यादा ही है ना अभी, बाइक तो आराम से चल जाती मोटर बाइक तो, बट हार्ड वर्क करना भी ज़रूरी है। ओहो हो बहुत रिस्की है भाई, बहुत रिस्की है। मेरे जूते ना, मैं अपने बूट्स उसमें छोड़ आया अपना कैब में, अब नाइकी के स्पोर्ट्स शूज है ना वो थोड़े स्लिप गिरे गए। तो देखा ना ऐसा चल रहा है यहाँ पर। और नितेश पहुँच गया इतने ऊपर तक, वाजी वाह, वो धीरे उसके पास बूट है, मैं भी जाऊँगा अभी धीरे धीरे। लो जी मैं तो इधर बर्फ के सहारे सहारे होता हुआ पत्थर पर आ गया, और वैसे अंकित भाई ट्राई कर रहे हैं अभी, क्या कर रहा है ये आ गया। और नितेश तो ज़्यादा ऊपर पहुँच गया, यहाँ से दिखेगा नहीं। तो ये है व्यू, कितना ऊपर आ गए ना हम नीचे से। तो सबसे ऊपर गए हम और वहाँ से टॉप पॉइंट से स्लाइडिंग कर आए हैं, बड़ी जल्दी आ गए, जाने में बहुत टाइम लगा था, बट स्लाइड करने में तो फिर पीछे सारी पैंट गंदी हो गई, जीन्स वो तो होनी थी। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे, अब ऊपर से आने में थोड़ा मुश्किल था, अगर आप खड़े होकर आओ तो आ नहीं सकते, बट वही था कि स्लाइड करके आना था, स्लाइड करके फटाफट आ गए, तो ये सबसे अच्छा तरीका, बट आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, बट स्लाइड करके आप आ सकते हो। सोनमर्ग वापस जा रहे थे, पहुंचने ही वाले थे, 2-3 किलोमीटर बचा था और गाड़ी में पंक्चर हो गया, तो फिर उसकी वजह से फिर भैया अभी चेंज कर रहे हैं टायर। इतने हमने क्या करा है, हम इतने ब्यूटीफुल जो भी ये वैली है इसके मज़े ले रहे हैं सब लोग ना, बहुत ही बेहतरीन है ये, ऐसा लगता है जो सीनरी होती है ना, बिल्कुल सीनरी ही और वॉलपेपर समझो जैसे, ऑसम है ये। तो भैया पंक्चर लगा रहे हैं गाड़ी में, और इतनी बढ़िया जगह पंक्चर हुआ है कि हमें वैली देखने का मौका मिल गया। देखो जी बिल्कुल ग्रीन है यार, जैसे किसी ने हाथ से बना दिया ना पेंटिंग उस टाइप की सी। तो सोनमर्ग हमारा, अब हम होटल में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही ना यहाँ पर सोनमर्ग का ट्रिप हमारा ख़त्म करते हैं, वो होटल हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। तो इस वैली के साथ आपको बाय बाय, अलविदा, और फिर कल ले जाएंगे आपको ग्लेशियर, जहाँ बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी लास्ट मैच, जहाँ बॉर्डर दिखाया था। तो तब तक के लिए अलविदा, बने रहिए हमारे साथ।